बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अचारी हांडी पोनलेस जो है रेस्टोरेंट्स में बहुत ज़्यादा चलती है, उसकी क्विक रेसिपी आपको देने लगा हूँ। 5 मिनट में आप अचारी हांडी तैयार कर सकते हैं। आ जाओ जी साथ। ये सबसे पहले जनाब हम लोग इसमें ऐड करेंगे ऑयल, 1 चम्मच तकरीबन आपने ऑयल ऐड कर देना है। ये तकरीबन 300 ग्राम आपने चिकन को क्यूब कटिंग में काट के ऐड कर देना। तो साथ साथ भूनते जाना है और तकरीबन 1 चम्मच का चौथा हिस्सा आपने लाल मिर्च का ऐड कर देना है, 1 चम्मच का चौथा हिस्सा आपने हल्दी का ऐड कर लेना है। और इतना ही आपने नमक ऐड कर देना है। अच्छी तरह भूनते रहना है आपने। थोड़ा सा दही लगा देना इसको, दही डाल के इसको अच्छी तरह भूनते रहना। एक डोंगा आपने पानी का लगा देना ताकि चिकन अच्छी तरह जो है ना वो गल जाए और मसाले अच्छी तरह इसमें यक जाए। उसके बाद आपने ग्रेवी डालनी है। ग्रेवी में आपने 1 टमाटर और आधा प्याज ग्राइंड कर देना है। आधा प्याज लेना छोटे साइज का और 1 टमाटर छोटे साइज का लेना है, उसको ग्राइंड करके इसके बीच डाल देना। साइज थोड़ा थोड़ा खोलो। अच्छा और कुछ मसाला? अच्छा इसमें तकरीबन 1 चम्मच का आप लगा लें चौथा हिस्सा ही आपने अचार कुछ मसाले का ऐड कर लेना है। अचार भी ऐड कर दो। उसके बाद 50 ग्राम कोई भी अचार ले लें, नेशनल का ले लें, शिजान का ले लें, किसी भी ब्रांड का, उसको ऐसे प्याज उसके जो है ना वो छिलके वगैरह उतार के गिटके उसके निकाल के वो इसमें चॉप करके आपने ऐड कर देना। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह भून लेना है। और ये आपकी बड़े एक क्विक और बड़ी एक आसान रेसिपी के साथ तैयार है। इसका सारा जो ये मॉइस्चर आपको नज़र आ रहा है, ये अभी 2-3 मिनट इसको अच्छी तरह पकाएंगे और इसका सारा ये मॉइस्चर जो है ना वो ड्राई हो जाएगा और ये बुनाई पे आ जाएगी। 2-3 मिनट इसकी बुनाई करेंगे तो ये हमारी हांडी तैयार हो जाएगी। अच्छा जी इसको आप इसकी ग्रेवी रिड्यूस हो गई है तकरीबन और अब इसके ऊपर जो है ना ऑयल आना शुरू हो जाएगा। ये साइडों से आप देखें ऑयल इसके ऊपर आना शुरू हो जाएगा और अब इसकी बुनाई शुरू हो जाएगी। 2 से 3 मिनट इसको अच्छी तरह हमने भून लेना है ताकि ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। जैसे ये बिल्कुल ड्राई होगी हल्की सी क्रीम ऐड करेंगे और इसको फाइनल कर देंगे। हमने हल्की सी क्रीम ऐड कर ली, थोड़ी सी सफ़ेद मिर्ची ऐड कर ली और थोड़ा सा अदरक ऐड कर दिया। हांडी में अब ये जनाब अपनी तैयारी के आखिरी मराहल।
लाए जी हांडी पे। ये जी हमारी अचार की हांडी तैयार है। यार काफी स्मेल आ रही है। ये जी अचार की हांडी तैयार है। इसको हल्की सी गार्निश डाल के और इसको जनाब हम लोग सर्विंग के लिए पेश कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।